हेलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम दैनिक जागरण 5 अगस्त 2022 के अखबार का एनालिसिस। तो आज हमारी पहली खबर है, यंग इंडिया एसोसिएट जनरल के दफ्तर में छापे, हवाला के संकेत। ये हमारे JS 2 JS 3 पॉलिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित टॉपिक है। अब इसमें हमारे काम की चीज़ क्या है कि जैसे मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, यंग इंडिया एसोसिएट जनरल लिमिटेड हवाला क्या है, हवाला क्या होता है, हेराल्ड हाउस केस क्या है, दूसरा इसमें ईडी की क्या जिम्मेदारी होती है, ईडी की क्या भूमिका होती है, को इस चीज़ पे ध्यान रखना है। अब हमारा दूसरा है, ताइवान के जल क्षेत्र में चीन ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल। अब ये हमारे JS 2 यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत को प्रभावित करने वाले हित, यानी अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे चीन ने ताइवान के जल क्षेत्र में बैलिस्टिक मिसाइल मतलब सैन्य अभ्यास कर रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जो तनाव वैश्विक तनाव बढ़ता जा रहा है। अब इसका भारत पर और वैश्विक हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उनको इस तरह से देखना है। तो क्योंकि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के जो नियमों का उल्लंघन भी कर रहा है चीन, तो हमें इस तरह से इस खबर को देखना है। फिर आता है, हवाई रेल टिकट रद्द करने पर लगेगा GST। अब ये हमारे GST यानी इंडियन इकोनॉमी से, और इंडियन इकोनॉमी में हमारे टैक्स से संबंधित दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे GST आया है, यानी GST के कितने स्लैब हैं, GST किस तरह से काम करेगा, हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना है। जैसे पानी बिजली जैसी सेवाओं के भुगतान में देर की तो लेट फीस पर भी देना होगा GST। CBIC ने किया स्पष्ट, रेस्तरां नहीं आइसक्रीम पार्लर लगेगा 18% GST। तो हमें इतना ध्यान रखना है इससे। अब हमारा आता है JS 2 यानी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से, आज तिरंगे के लिए धड़कता है कश्मीर का दिल। अब ये हमारे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। अब लोकतंत्र और सामाजिक न्याय, सुरक्षा व विकास के दौर पर 5 अगस्त 2019 को जो अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर से हटाया गया, क्योंकि अब अनुच्छेद जो 370 है और 35 है, कहीं ना कहीं हमारे देश की संप्रभुता सार्वभौमिकता और एकता और अखंडता के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से मजाक उड़ाने जैसा काम था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक देश में एक लघु राष्ट्र का दर्जा लिए हुए जम्मू कश्मीर का स्थान था। अब कोई भी संसद कोई भी कानून तब तक लागू नहीं कर सकती थी जब तक जम्मू कश्मीर विधानसभा उसे अनुमति नहीं दे सकती थी। इसलिए 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35 को निरस्त कर दिया। इसके बाद से कई जम्मू कश्मीर में कई परिवर्तन आए। अब वहाँ के युवाओं के जीवन में कई तरह के परिवर्तन आने लगे हैं। अब वहाँ पे अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी पा सकते हैं, वहाँ कोई भी अन्य प्रदेश का नागरिक वहाँ पर ज़मीन खरीद सकता है, व्यवसाय कर सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, घूम सकता है। अब वहाँ पे कहीं ना कहीं अलगाववाद आतंकवाद को भी कहीं ना कहीं जो पहले वित्त पोषण मिलता था, संरक्षण मिलता था, कहीं ना कहीं अब उनकी गतिविधियाँ भी कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में परिसमन किया गया है, तो आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वह आगे चलते हैं अपन। अब आता है, जस्टिस यू ललित का अगला प्रधान न्यायाधीश बनना तय। अब ये हमारे किससे, JS 2 यानी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन और न्यायपालिका से, क्योंकि हमारे जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है NV रमना जी, उनका जो कार्यकाल है वो 26 अगस्त को ख़त्म होने वाला है। तो हमें अब अगले न्यायाधीश कौन होंगे, तो उसके लिए अभी जो उदय उमेश ललित जी का है ना, उन्होंने नाम प्रस्तावित किया है, क्योंकि अब जो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश बनते हैं वो मतलब जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। इस तरह से हमारे जो अगले जो न्यायाधीश होंगे कहीं ना कहीं उदय उमेश ललित जी को बनाया जाएगा। और आगे चलते हैं, अब ये है, बजट सत्र तक पारित हो जाएगा डाटा प्रोटेक्शन से जुड़ा नया बिल। अब ये जो दोनों टॉपिक है, एक ये और एक ये, परिवार न्यायालय को अब पूरे देश में वैधानिक मान्यता है, ये हमारे JS 2 यानी पॉलिटिक्स। अब जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे संवैधानिक अधिकारों यानी मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं, कहीं ना कहीं डाटा लोकलाइजेशन से संबंधित है, हमारी निजता के अधिकारों से संबंधित हैं, तो इसको भी आप ध्यान में दीजिएगा। फिर अगला है, परिवार न्यायालय को अब पूरे देश में वैधानिक मान्यता। अभी हाल ही राज्यसभा ने गुरुवार को परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक पारित किया। अब इसके तहत क्या होगा कि
अब पूरे देश में परिवार न्यायालय को वैधानिक मान्यता मिल जाएगी। इससे राज्यों में परिवार न्यायालयों के लिए अब तक के फैसले कानूनी रूप से मान्य होंगे। अब इससे क्या होगा कि अभी इस समय 715 परिवार न्यायालय काम कर रहे थे, अब केंद्र सरकार प्रत्येक ज़िले में कम से कम एक परिवार अदालत स्थापित करना चाहती है ताकि मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के अनुसार राज्य सरकार के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर में परिवार अदालत का गठन करना अनिवार्य था। अब अगले चलते हैं, बच्चों की पढ़ाई मातृभाषा में होगी या अंग्रेजी में, दीजिए राय। ये हमारे जेस्ट टू सोशल जस्टिस यानी शिक्षा से संबंधित। अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई 2020 में। अब NCERT है जो नए पाठ्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांग रही है। अभी जो नई शिक्षा नीति लाई गई है तो उससे क्या होगा कि उसका व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, छात्रों की समस्या समाधान की क्षमता को विकसित करेंगे, बहु कौशल वाले छात्रों को समुदाय और उद्योग के साथ जोड़कर अनुभव प्रदान किया जाएगा। तो आप इसको भी देखिएगा। PM गतिशक्ति मास्टर प्लान, ये हमारे JS2 यानी अवसरज यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ टॉपिक है। अभी हाल ही में 3 परियोजनाओं को PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत मंजूरी दी गई है। अब इससे क्या होगा कि लॉजिस्टिक क्षमता दक्षता में वृद्धि होगी जिससे लागत में कमी आएगी। तो आप इसे भी देखिएगा। अगले चलते हैं, ये केवल इस पर एक चर्चा में, इसको आप ध्यान में दीजिएगा। और एक है TB लेजर, अभी हमारा है लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण। ये हमारे GS3 एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी से संबंधित है। स्वदेश विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का महाराष्ट्र के अहमदनगर में सैन्य प्रतिष्ठान KK रेंज से सफल परीक्षण किया गया है। अब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के निर्माता रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने भारतीय सेना को मिसाइल के सफल परीक्षण पर बधाई दी। आप इसे भी देखिएगा, युद्ध अर्जुन टैंक। अब यह है, अभी अभी जो अपन ऊपर बात कर रहे थे अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में देश का कोई भी नागरिक स्थायी तौर पर बस सकता है। जम्मू कश्मीर की बेटी को अब प्रदेश से बाहर शादी करने पर मौलिक संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकेगा। अब वहाँ पर हर नागरिक योग्यता के अनुसार नौकरी पा सकता है। अब वहाँ पर 3 स्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था बहाल हो गई है, सरपंच है, BDC है, DDC है, जो 3 स्तरीय पंचायत निकाय के अंग है। तो आप चलते हैं आगे। अब हजारों करोड़ खर्च के बावजूद नहीं बदली शहरी जल और सीवेज का प्रबंधन। अब ये GS1 इंडियन सोसाइटी यानी शहरीकरण और शहरीकरण से संबंधित मुद्दे और उनका क्या समाधान हो सकता है। तो अभी अमृत मिशन योजना शुरू की गई ताकि जो शहर है, शहर में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उनको दुरुस्त किया जाए, नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाए ताकि जो कूड़ा कचरा है उसका अच्छी तरह से प्रबंधन किया जाए, उसको ट्रीट करने के बाद ही मतलब नालियों में छोड़ा जाए। तो इसको भी एक बार आप देखिएगा ज़रूर। उसके बाद आगे चलते हैं, ओंकारेश्वर बांध में लगेगा देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर संयंत्र। अभी हमारे GS3 इन्वायरमेंट एनर्जी क्लाइमेट चेंज इनसे संबंधित है। अब जैसे अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर बांध में 600 मेगावाट का देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर संयंत्र लगाया जाएगा। अब मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी जो 3.26 रुपये यूनिट की दर से बिजली खरीदेगी। इससे कहीं ना कहीं क्या होगा कि बिजली सस्ती होगी, बिजली सस्ती होने से कहीं ना कहीं महंगाई को, विकास को, निवेश को इस तरह से बढ़ावा मिलेगा। इस प्लांट को लगाने से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा। अभी अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2030 तक 500 GW सौर ऊर्जा उत्पादन का वादा भी किया है। तो कहीं ना कहीं ये उस लक्ष्य को पूरा करने में भी कहीं ना कहीं मदद करेगा। कहीं ना कहीं नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की में बढ़ोतरी होगी। जो मध्य प्रदेश है उसको हार्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इसे लंग्स ऑफ इंडिया बनाना है, ये मेरा लक्ष्य, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है। अब पानी पर लगने से क्या होगा कि ज़मीन की आवश्यकता नहीं होगी, तो विस्थापन की समस्या का भी कहीं ना कहीं समाधान किया जा सकेगा। अब आइए, INS सतपुड़ा ने रिमपेक 2022 में सैन्य अभ्यास किया। अब ये हमारे प्रीलिम्स के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि
या अभ्यास कहाँ किया गया है, कौन से देशों ने भाग लिया है, इस तरह से। फिर क्या है भारत की ताइवान नीति, इस अभिव्यक्ति को आप पढ़ने की प्रयास कीजिएगा कि क्या है भारत की ताइवान नीति, ताइवान पर चीन और अमेरिका के बीच तनाव है तो यह विश्व को और भारत को किस तरह से प्रभावित करेगा, इसको देखिएगा। आगे चलते हैं बिजनेस, बिजनेस स्पेस में अपना कोरोना पूर्व स्तर पर पहुंचा सकती हैं रेपो दर, तो रेपो दर क्या होती है, रेपो दर का महंगाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब अभी हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी कम्युनिटी यानी मौद्रिक नीति समीक्षा ने कहीं ना कहीं रेपो दर को, रेपो दर में वृद्धि की है, तो इससे ब्याज पर क्या असर पड़ेगा, तो इससे निवेश पर क्या असर पड़ेगा, खुदरा लोन पर क्या असर पड़ेगा। तो आप एक बार देखिएगा कि रेपो दर क्या होती है, इससे महंगाई कैसे बढ़ती है, कैसे मतलब ब्याज महंगा हो जाता है, कैसे महंगाई को नियंत्रित किया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई को किस तरह से प्रभावित करती है, एक बार देखिएगा। फिर आते हैं स्वर्ण मुद्रीकरण में समय से पहले निकासी पर रुपये में होगा भुगतान। तो अब जो स्वर्ण मुद्रीकरण योजना है तो ये 2015 को शुरू की गई थी। अब इसमें क्या था कि परिवारों और संस्थानों के पास सोने को निकालना और उसे उत्पादक उद्देश्यों में लगाना था। RBI ने कहा कि परिपक्वता पर किस निकासी पर जमाकर्ताओं रुपये या सोने में से किसी भी में भी प्राप्त कर सकता है। अगर समय से पहले निकालोगे तो आपको रुपये में भुगतान करना पड़ेगा, और परिपक्वता अवधि के बाद निकालोगे तो आपके पास दो ऑप्शन हो, या तो आप उसे रुपये में निकालिए या सोने के रूप में। फिर अगले चलते हैं व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर, वित्त वर्ष 12-13 के मुकाबले हालत बेहतर। अभी हाल ही में जो व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गए हैं, अभी जो 2012-13 में जो व्यापार घाटा था वो GDP का 10.7% तक चला गया था, और अभी वित्त वर्ष 22-23 में चालू खाते का घाटा है वो GDP के 3.7% पर तक जा सकता है। पेट्रोलियम पदार्थ, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो पेट्रोलियम पदार्थ के निर्यात पर शुल्क लगाने से इस साल जुलाई महीने में निर्यात में कमी रही जबकि आयात में बढ़ोतरी रही। अब जबकि निर्यात में $35 अरब रहा और $66 अरब का आयात रहा, तो इससे कहीं ना कहीं हमें व्यापार घाटा हुआ है, तो इसका क्या असर पड़ेगा, इसे भी आप देखिएगा। अब आते हैं चीन ताइवान में तनाव के बीच ब्लिंकन से मिले जयशंकर। अभी हाल ही में कंबोडिया में आसियान मंत्रियों के बीच बैठक हुई है, तो इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, म्यांमार, यूक्रेन के मसले पर आसियान के विदेश मंत्रियों से जयशंकर जी की हुई चर्चा। अब आसियान देश के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने पहुँचे कंबोडिया। अब कहीं ना कहीं अभी अमेरिका के जो विदेश मंत्री के साथ कहीं ना कहीं क्षेत्रीय और बहुपक्षीय वैश्विक मुद्दों को लेकर चर्चा हुई विदेश मंत्री जी की, आसियान देशों के विदेश मंत्रियों के साथ, जिसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र एवं उससे जुड़ी चुनौतियों पर खास चर्चा हुई। कंबोडिया की राजधानी नोम पेनू पहुँचे विदेश मंत्री जी। आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, इसमें 10 सदस्य आसियान के कुछ देश चीन के खेमे में जबकि कुछ अमेरिका के साथ हैं। म्यांमार, थाईलैंड व कंबोडिया चीन के साथ हैं। इन देशों के अलावा सिंगापुर, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई और मलेशिया भी इसके सदस्य हैं। आसियान के विदेश मंत्रियों के साथ साइबर सुरक्षा पर भी हुई चर्चा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के अलावा यूक्रेन, म्यांमार के मुद्दे पर हुई बातचीत। इसके अलावा कनेक्टिविटी परियोजनाओं, कोरोना महामारी, साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर बातचीत हुई। डिजिटल हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ग्रीन ग्रोथ जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई है, और श्रीलंका की आर्थिक संकट से उभारने का प्रयास करेंगे, और हिंद प्रशांत क्षेत्र, श्रीलंका को मदद, तो इन चीज़ों को देखिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं चर्चा के बिंदु या हमेशा खबरों में बने रहते हैं। अब ग्लोबल सप्लाई चेन को बाधित कर रहा है चीन का सैन्य अभ्यास। अब इसका किस तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे अगर ये सैन्य अभ्यास करता है इसका ग्लोबल सप्लाई चेन पर, तो कहीं ना कहीं इसके विश्व की आपूर्ति है वो बाधित होगी। अब अति व्यस्त समुद्री मार्ग, क्योंकि चीन जहाँ सैन्य अभ्यास कर रहा है वो दुनिया के सबसे व्यस्तम समुद्री मार्गों में से है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण की बड़ी आपूर्ति इस रास्ते से दुनिया भर में होती है, प्राकृतिक गैस की आपूर्ति भी होती है, और ताइवान को चीन से अलग करने वाले जल डमरू मध्य यानी ताइवान स्ट्रेट जो कहीं ना कहीं चीन और ताइवान को अलग करती है, से दुनिया के करीब आधे कंटेनर शिप गुजर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हो रही, तो कहीं ना कहीं इसका असर देश के नीतियों पर, महंगाई पर
निवेश पर इसका असर पड़ने की संभावना बिल्कुल बनी रहेगी। ताइवान स्टेट क्या होती है, ये चर्चा में क्यों है, तो हमें इस तरह से ध्यान रखना है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के संबंधित इससे प्रश्न बन सकते हैं। आतंकवाद के विरुद्ध विशेष बैठक की अक्टूबर में मेजबानी करेगा भारत। अब ये किससे, JS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से यानी ग्रुप से, और भारत की उनमें भूमिका, भारत को प्रभावित करने वाले ही। भारत आतंकवाद के विरुद्ध 19 अक्टूबर को एक विशेष बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की मेजबानी करेगा। भारत का सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यता का 2 साल का कार्यकाल इसी दिसंबर में पूरा होने वाला है। भारत 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद काउंटर टेररिज्म कमेटी ने भारत में कार्यकारी निदेशालय के सहयोग से नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग से बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए विशेष बैठक का निर्णय लिया है। काउंटर टेररिज्म कमेटी की स्थापना अमेरिका में 9/11 हमले के मद्देनज़र 2001 में हुई थी। अभी 9/11 अभी जैसे अल जवाहिरी वाला, ओसामा बिन लादिन वाला, तो अभी कहीं के चर्चा में बना हुआ है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ईरान और परमाणु, इसी सप्ताह शुरू होंगे परमाणु वार्ता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो ये ईरान और अमेरिका का जो परमाणु समुदाय कई समय से चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि 2015 के परमाणु करार को पुनर्जीवित करने के लिए वार्ता शुरू करेंगे, क्योंकि आर्थिक प्रतिबंधों से राहत पाने के लिए जिस परमाणु करार के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम में कटौती की थी, उससे अमेरिका पीछे हट गया, तो कहीं से कहीं इसे फिर से पुनर्जीवित करने के लिए चर्चा होने लगी। अब ये तालिका यानी अभी जो राष्ट्रमंडल खेल हो रहे 2022, तो उसमें अपने भारत की स्थिति क्या है, तो भारत ने 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 कांस्य पदक जीते हैं, कुल मिलाकर 18 पदक जीते हैं। और पहले नंबर पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, तो हमें इन पे कहीं ना कहीं अपनी नज़रें रखनी। अब आगे बढ़ते हैं। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी न्यायमूर्ति लीला सेठ। तो आज ही लीला सेठ किसी हाई कोर्ट यानी हिमाचल हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। अब आते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम भी बिगाड़ रहा है प्रकृति की सेहत। ये कहीं ना कहीं JS2, JS3 ये विकास से संबंधित है, कहीं ना कहीं कार्बन उत्सर्जन से, पर्यावरण से संबंधित हैं, उनसे संबंधित मुद्दे हैं, कार्बन उत्सर्जन से संबंधित हैं। तो अपन जो कार्बन उत्सर्जन है उसको हम, उसके कारण को हम जानते हैं, तो उसके कारण कहीं ना कहीं हम मैन्युफैक्चरिंग और कृषि को ही लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके अलावा भी जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें हेल्थ केयर सिस्टम का भी अपना एक योगदान रहा है। हेल्थ केयर भी सबसे बड़ा है कार्बन उत्सर्जन करने वाला क्षेत्र। वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में स्वास्थ्य क्षेत्र की इतनी यानी 4.4% है हिस्सेदारी। तो हेल्थ केयर भी कहीं ना कहीं अब जैसे कार्बन फुटप्रिंट होता है, अब जैसे कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, तो किसी संस्था व्यक्ति द्वारा कुल उत्सर्जित कार्बन, अब कार्बन किस फॉर्म में हो सकता है, चाहे तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हो सकता है, ग्रीन हाउस गैसेस के फॉर्म में हो सकता है। अब यहाँ पर जैसे हेल्थ केयर सिस्टम की बात की, तो हेल्थ केयर किस तरह से कार्बन उत्सर्जन में अपना योगदान देगा, तो कहीं ना कहीं जो दवाइयाँ हैं, उपकरण हैं, उन्हें बनाने में जो कार्बन का उत्सर्जन होगा, कहीं ना कहीं मतलब जो MRI स्कैन है, CT स्कैन है, अपन ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं इन मशीनों को बनाने में, इनके चेकअप में, बिजली में, तो कहीं ना कहीं इस तरह से कार्बन उत्सर्जन होता है। और आगे बढ़ते हैं, तो हमारा ये आज का विषय है, ये खत्म हुआ। धन्यवाद।